फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात करूंगा जहां अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं। और बहुत सारे लर्नर तो ये समझते हैं कि ये दोनों एक ही है, यानी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, जबकि ऐसा समझना सरासर गलत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन केस ऑफ और इन द केस ऑफ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन केस ऑफ और इन द केस ऑफ ये दोनों अलग अलग चीज है और इन दोनों का इस्तेमाल अलग है। इन केस ऑफ का मतलब होता है के हालात में, के दशा में या के सूरत में। वहीं अगर हम बात इन द केस ऑफ की करें तो इन द केस ऑफ का मतलब होता है के संबंध में, के मामले में या के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देखने से एक जैसे जरूर लगते हैं, बट ये एक नहीं है, इन दोनों में बहुत फर्क है। इन केस ऑफ कुछ अलग चीज है और इन द केस ऑफ कुछ अलग चीज है। जैसा कि इनके मीनिंग से आपको ये बात समझ में आया होगा कि इन केस ऑफ का इस्तेमाल हम के हालात में, के दशा में, के सूरत में के लिए करेंगे, जबकि इन द केस ऑफ का इस्तेमाल हम के संबंध में, के मामले में या के बारे में के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इन केस ऑफ मीन्स के सूरत में या इस हालात में या इस दशा में। वहीं अगर हम बात इन द केस ऑफ की करें तो इन द केस ऑफ इन केस ऑफ से बिल्कुल अलग है। इन द केस ऑफ का मतलब होता है के मामले में या के संबंध में। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखा हुआ है ताकि आप इस बात को अच्छा से समझ सकें। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है इन केस ऑफ फायर ब्रीक ग्लास। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ आग लगने की दशा में या आग लगने की हालात में या आग लगने की सूरत में ग्लास को तोड़ो। तो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ मतलब के सूरत में या के हालात में या के दशा में। लेकिन अगर हम बात इन द केस ऑफ की करें तो मैं कहूंगा इन द केस ऑफ इंडियंस, भारतीयों के मामले में या भारतीयों के संबंध में। क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन फुटबॉल। फुटबॉल के कंपेयर में क्रिकेट ज्यादा पॉपुलर है। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा यहाँ इन केस ऑफ और इन द केस ऑफ कैसे आपस में अलग अलग हैं। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को शानदार तरीके से समझ सकें। आपातकालीन स्थिति में 1, 2, 3 डायल करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन केस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैंने कहा इस स्थिति में या इस हालात में या इस दशा में। जैसे मैं कहूंगा इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के केस में या इमरजेंसी की सूरत में या इमरजेंसी की हालात में डायल 1, 2, 3। आपातकालीन स्थिति में 1, 2, 3 डायल करें। आइए फ्रेंड्स अब इस सेंटेंस को देखते हैं। बीमारी के संबंध में उसने कुछ नहीं बताया। तो आप कहेंगे इन द केस ऑफ डिजीज ही टोल्ड नथिंग। तो फ्रेंड्स, यहां आपने देखा कि के संबंध में या के मामले में के लिए आप इन द केस का इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ये बात समझे कि इन केस ऑफ अलग चीज है और इन द केस ऑफ अलग चीज है। इन केस ऑफ यानी के हालात में या के स्थिति में या के सूरत में या के हाल में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात इन द केस ऑफ की करें तो इन द केस ऑफ का मतलब होता है के संबंध में या के मामले में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये दो वर्ड्स को लेकर अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, वाकई अगर आपको ये दो फ्रेज वर्ड शानदार तरीके से समझ में आया तो क्या आप इन दोनों टॉपिक्स पर दो दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोनों टॉपिक्स पर दो दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।